हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये चल रहा है चैप्टर स्ट्रेट लाइन के अंदर में, ये लेक्चर नंबर 2 है। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? ऑल द इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल क्या होती है? 180 डिग्री से कम होती है। लेट अस सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। मैंने क्या किया है? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सारा एंगल क्या है, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाला। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर वाला एंगल। तो यहाँ पे क्या है, सारा एंगल क्या है, 180 डिग्री से कम है। और 180 डिग्री मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सारा एंगल 180 डिग्री से कम है। अगला पॉइंट है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल को क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एक नया पॉलीगॉन है जिसके अंदर, देखिए पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन कोई भी हो सकता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, बहुत ही तरह के एंगल हो सकते हैं। ये हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कोई भी पॉलीगॉन के लिए। चलिए यहाँ पे मैं अलग पॉलीगॉन बनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सपोज दूसरा पॉलीगॉन है जिसका 1, 2, 3, 4, 5 साइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन, एक सिंपल सी बात बताओ, कॉनकेव पॉलीगॉन आपको ध्यान रखना है ना, तो आपको यदि क्वाड्रिलेटरल देखें या फिर कोई पेंटागॉन हेक्सागॉन देखें, उसमें क्या बन, कहीं से केव बन रहा हो, क्या हो, कहीं से भी केव बन सॉरी कहीं से भी क्या हो, केव बन रहा हो, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। ये हमारे पास क्या हो रहा है, केव बन रहा है। अगला बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। किसके और बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब बेसिकली हम लोग क्वाड्रिलेटरल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की तरफ बातें करेंगे। इफ डायगोनल आर नोन, यदि हमें क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल पता है, डायगोनल मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें जो ये लाइन मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है ए सी और बी डी, ये क्या है, डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। तो क्या कहा गया है, इफ डायगोनल्स आर नोन, यदि हम लोग को डायगोनल पता हो तब, एंड इंक्लूड एंगल आर नोन, जो एंगल जो कट कर रही है वो एंगल हमें पता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका एरिया क्या होगा, हाफ डी वन इंटू डी टू साइन थीटा, हाफ डी वन इंटू डी टू साइन थीटा। अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी साइड किसके पैरेलल होगी, एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल होती है और एक साइड उसके अपोजिट साइड के पैरेलल होती है। मतलब कि यहाँ पे ए बी साइड जो होगी वो सी डी के पैरेलल होगी और बी सी साइड जो होगी वो ए डी के पैरेलल होगी। ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ बराबर होगा और बी सी का लेंथ ए डी के लेंथ के बराबर होगा। आपको ये जो एरिया का फॉर्मूला दे रखा गया इसको ध्यान में रखनी है और इस एक और फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं थोड़ा। टाइम मैंने क्या किया, ब्लू पेन से कुछ ड्रॉ किया है इस पैरेललोग्राम के अंदर में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसे मैंने बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है एडी के ऊपर। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अब मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर का साइन ड्रॉ कर दिया है। तो ए बी एडी के ऊपर मैंने क्या किया है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा, मैंने ये जो एंगल उसे क्या माना है, थीटा माना है, क्या माना है बोलिए, थीटा माना है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होगा, क्या साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर पी वन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा, बी होगा। अब देखिए
मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो एरिया मैंने ड्राइव किया है इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से ली सकूं, और यदि हम लोग परपेंडिकुलर साइड का लेंथ भी पता हो ना तभी हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकें, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर जो पी वन है वो किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा के बराबर होगा। उसी तरह यदि मैं बात करूं जो परपेंडिकुलर पी टू है सॉरी यहाँ पे मैं बी को पुट करना है तो बी लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, बी इक्वल टू पी वन साइन थीटा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। अगेन यही जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल चेंज, पहले जो ट्रायंगल था वो था ए डी और ये परपेंडिकुलर वाला, अब ट्रायंगल हो गया ए बी और ये परपेंडिकुलर वाला, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज पी टू अपॉन ए। तो यहां से मैं ए लिख सकता हूँ अभी बोली क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी टू बाई साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है उसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस एरिया के अंदर में, तो एरिया हो जाएगा एक जगह पे पी टू बाई साइन थीटा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको ड्रेवेशन पता रहेगा तो आप भी कर पाएंगे, यदि मैं डायरेक्ट लिख लूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए एरिया बाई पी टू, एरिया इक्वल टू पी टू बाई साइन थीटा इन टू बी, बी के जगह मैं क्या लिखूंगा पी वन बाई साइन थीटा इन टू, अब साइन थीटा के जगह मैं क्या करूंगा साइन थीटा ही लिख दूंगा, तो ये जो साइन थीटा क्या होगा कैंसल आउट हो जाएंगी और एरिया हो जाएगा हमारे पास पी वन पी टू कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा पी वन पी टू, इसको मैं साफ से लिखता हूं पी वन पी टू, इसके ऊपर लिख देता हूं एरिया इक्वल टू पी वन पी टू कोसेक थीटा, ये हमारे पास नया एरिया आ गया। चलिए अब अगला टॉपिक ऊपर चलते हैं, उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका सारे साइड बराबर है, क्या ऑल साइड्स आर सेम, सारे साइड क्या होती है सेम होती है। इसका एरिया होगा ए स्क्वायर साइन थीटा या फिर हाफ डी वन इंटू डी टू, इसका एरिया ज्यादा काम में नहीं आता, उसका टेंशन हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब दिया गया है कि एक और चीज, यहाँ पे जो डायगनल्स होती है वो क्या करती है, अपने आप को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। एक चीज आपको बताऊंगा, हमने क्या पढ़ा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ डी वन इंटू डी टू, अब यहाँ पे यदि 90 डिग्री है तो यहाँ पे पुट कर दिया साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो क्या लिख दूंगा हाफ डी वन डी टू, इसका एरिया हो जाएगा। बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ड्राइव हो जाता है, और रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया निकालना सब जानते हैं, हाइट इंटू बेस, जो हाइट होगी और बेस होगी हाइट होगी बेस। रेक्टेंगल के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो ये एंगल होती है, कई बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो ये एंगल होती है वो क्या होती है 90 डिग्री जरूरी नहीं होती, 90 डिग्री होगा तो उसका स्पेशल केस को क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, 90 डिग्री हो तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो तो क्या होगा रेक्टेंगल ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा डी वन और डी टू डायगनल क्या होंगे बराबर होंगे, और इस वाले केस में क्या होगा डायगनल बराबर होंगे, और रेक्टेंगल का स्पेशल केस कब होता है कि स्क्वायर बन जाए डी वन इक्वल टू डी टू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे अगले वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि सेक्शन फॉर्मूला है और इंटरनल एंगल्स के बारे में बात की है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।